नावी ने आयुष को बताया कि आदिति अहमदाबाद चली गई है। ये जानकर वो बहुत टेंशन में आ गया। वो सोच रहा था कि उसे तुरंत ये बात विवान को बतानी होगी, वरना वो रतलाम के लिए निकल जाएगा। ये सोचकर वो जल्दी से बेड पर से खड़ा हो गया और अपना मोबाइल उठाते हुए बोला, रावी मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, तुम चाय बनाओ, तब तक मैं बात करके आता हूँ। रावी ने जब उसे यूं बेचैन देखा तो वो चौंक गई। वो बोली, सब ठीक है ना आयुष, इतनी सुबह सुबह तुम्हें किसे कॉल करना है, और अगर करना ही है तो उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है। आयुष ने थोड़ा चिढ़कर कहा, अरे यार तुम कितने सवाल करती हो, मैंने कहा ना एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है और बाहर इसलिए जा रहा हूँ ताकि बात करने के साथ साथ थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक भी हो जाए। चलो तुम चाय बनाओ, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। रावी और कुछ पूछती उससे पहले ही वो जल्दी से रूम से बाहर चला गया। अब वो घर के बाहर बने लॉन में आ गया था। उसने जल्दी से विवान को कॉल किया। विवान ने जैसे ही कॉल पिक किया, आयुष ने उससे पूछा, विवान तुम रतलाम के लिए निकले तो नहीं हो ना? विवान बोला, बस निकल ही रहा था, और पता है मैं खुद तुझे कॉल करने की सोच रहा था। मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए परेशान है, पर फिक्र मत कर, इस बार मैं आदिति को अपने साथ लेकर ही वापस आऊंगा। आयुष उसे रोकते हुए बोला, विवान मेरी पूरी बात तो सुन, तू रतलाम मत जा। विवान ने हैरान होते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ, तू कुछ परेशान लग रहा है, बात क्या है? फिर आयुष ने उसे बताया, विवान आदिति रतलाम में नहीं है। ये सुनकर विवान हैरान हो गया। उसने पूछा, क्या, अगर वो रतलाम में नहीं है तो कहाँ है? आयुष बोला, वो अहमदाबाद चली गई है, उसने रॉकी की फर्म ज्वाइन कर ली है, अब वो वहीं पर प्रैक्टिस करने वाली है। तू रॉकी को तो जानता है ना? रॉकी का नाम सुनते ही विवान के दिल में एक तेज जलन का एहसास हुआ। वो बोला, हाँ मैं जानता हूँ उसे, पर आदिति वहाँ क्यों चली गई है, ये लड़की क्या करना चाहती है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसे क्या लगता है वो अहमदाबाद चली जाएगी तो मुझसे दूर हो जाएगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अरे वो अहमदाबाद तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, मैं वहां से भी उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे मनाकर फिर से अपने पास बुला लूंगा। आयुष ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ मेरे भाई, लेकिन तू जानता है ना कि अहमदाबाद कोई गांव नहीं है जहाँ आदिति को ढूंढना आसान हो, और तूने उसे ढूंढ भी लिया तो भी वो इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, तूने कुछ सोचा है इस बारे में? विवान ने कुछ सोचते हुए कहा, उसने अहमदाबाद जाकर मेरे लिए काम और भी आसान कर दिया है, इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। किसी ने सही कहा है, अगर हम किसी चीज को दिल से चाहे तो उस तक पहुंचने के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। आयुष को उसकी ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए उसने पूछा, क्या मतलब? विवान ने हंसते हुए कहा, मतलब बाद में समझाऊंगा, चल अभी मैं रखता हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है और उसके बाद अहमदाबाद के लिए निकलना भी है। आयुष बोला, ठीक है तू अपना ध्यान रखना और अहमदाबाद पहुंचकर मुझे कॉल कर देना, बाय। इतना कहकर आयुष ने कॉल कट कर दिया। वो घर में जाने के लिए पलटा ही था कि उसने देखा उसके सामने रावी हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। वो उसे देखकर घबरा गया। वो सोच रहा था, कहीं इसने मेरी और विवान की बातें तो नहीं सुननी है ना, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो मुझे भगवान भी नहीं बचा सकते। उसने थोड़ा डरते हुए पूछा, अरे तुम बाहर क्यों आ गई? रावी ने उसे शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, चाय ठंडी हो रही थी तो मैंने सोचा यहीं ले आती हूँ, आज लॉन में बैठकर चाय पी लेंगे। आयुष ने उसके हाथों से चाय ली और बोला, ये तुमने बहुत अच्छा किया। फिर वो दोनों लॉन में लगी चेयर्स पर जाकर बैठ गए। रावी ने चाय की एक सिप लेते हुए पूछा, कौन जा रहा है अहमदाबाद? रावी का सवाल सुनकर आयुष के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आने लगी। वो हड़बड़ाते हुए बोला, कोई भी तो नहीं। रावी ने पूछा, तुम अभी फोन पर किसी को बोल रहे थे ना कि अहमदाबाद पहुंचकर कॉल कर देना, किसको बोल रहे थे? आयुष ने कहा, अच्छा वो
वो तो मैं अपने एक जूनियर से बात कर रहा था, वो एक केस के सिलसिले में अहमदाबाद गया है, मैं उसे ही कॉल करने के लिए बोल रहा था, रावी ने चाय पीते हुए कहा। ठीक है, आयुष ने कुछ सोचते हुए कहा। रावी, अदिति अहमदाबाद में कहाँ रहने वाली है? रावी बोली, मुझे नहीं पता, अभी तो वो रॉकी के घर पर ही है। आयुष ने पूछा, तुम्हारे पास रॉकी के घर का एड्रेस तो होगा नहीं ना? रावी ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें रॉकी का एड्रेस क्यों चाहिए? कई दिनों से देख रही हूँ तुम अदिति के बारे में कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रहे हो। अभी थोड़े दिन पहले तुम उसका रतलाम का एड्रेस पूछ रहे थे और अब अहमदाबाद का जानना चाहते हो, आखिर बात क्या है? आयुष ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। रावी ने उसे शक भरी निगाहों से देखा और पूछा, बस ऐसे ही? अच्छा, तुम सच बोल रहे हो ना? आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? रावी बोली, नहीं, वो तुम्हारा चेहरा कुछ और ही कह रहा है, और कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम छिप छिप कर किसी से बातें कर रहे हो, ये सब आखिर चल क्या रहा है आयुष? आयुष को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। वैसे भी उसे सच ना बताने का मतलब था उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाना, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसे सच बता देगा। वो बोला, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, पर तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा। रावी ने हैरानी से कहा, कैसा प्रॉमिस? आयुष ने कहा, यही कि सारी बातें जानने के बाद तुम गुस्सा नहीं करोगी बल्कि मेरी बात को समझोगी। रावी ने पूछा, ऐसा क्या बोलने वाले हो तुम? फिर वो थोड़ा सोचते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, अब तो बताओ कि बात क्या है? आयुष ने धीरे से कहा, वो मैं विवान से बात कर रहा था। रावी चौंकते हुए चिल्लाई, क्या? तुम विवान से बात कर रहे थे? पर क्यों? तुम जानते हो ना उसने अदिति के साथ क्या किया, उसके बाद भी तुम उससे बात कर रहे थे? अरे उस जैसे इंसान से बात तो क्या, उसका तो कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। जो इंसान अपने प्यार को धोखा दे सकता है वो तुम्हारी दोस्ती को क्या समझेगा? आयुष भी खड़े होकर बोला, देखा, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा था, बिना कुछ जाने तुम कितना कुछ बोल गए। तुम्हें कुछ नहीं पता है रावी कि विवान ने ये सब क्यों किया है, जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम खुद कहोगी कि विवान कितना अच्छा और सच्चा है। रावी ने गुस्से से कहा, अच्छा ऐसी क्या कहानी सुनाई है उसने तुम्हें, जरा मैं भी तो सुनूं। आयुष ने अब थोड़ी तेज आवाज में कहा, ये कोई कहानी नहीं है रावी, विवान ने जानबूझकर अदिति को खुद से दूर कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि अदिति की लाइफ में कोई टेंशन ना रहे, और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि। इसके बाद उसने रावी को वो सारी बातें बता दी जो विवान ने उससे कही थी, ये भी कि विवान अडॉप्टेड है। ये सब सुनकर रावी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोली, विवान के पेरेंट्स उसके असली पेरेंट्स नहीं है, और फिर भी विवान ने उनके लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। आयुष बोला, देखो रावी, ये तो तुम भी जानती हो कि अदिति और विवान एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे, दोनों में से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। मैं मानता हूँ कि विवान से गलती हुई है, विवान को खुद भी अपनी गलती का एहसास है और वो उसे सुधारना चाहता है। मुझे लगता है कि हमें उसे एक मौका देना चाहिए, आखिर हम उन दोनों के दोस्त हैं, हम उन्हें इस तरह तड़पते हुए नहीं छोड़ सकते, हमें उन दोनों को फिर से एक करने की कोशिश करनी ही चाहिए। उसकी बातें सुनकर रावी ने धीरे से कहा, तुम सही बोल रहे हो आयुष, मुझसे विवान को पहचानने में गलती हो गई, मैंने उसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया यार, सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आयुष ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम अदिति से बहुत प्यार करती हो, और विवान भी ये बात जानता है, इसलिए वो भी तुमसे नाराज नहीं है, वो तो किसी भी तरह बस अदिति का दिल जीतना चाहता है, और मैं उसके साथ। रावी हंसते हुए बोली, मैं नहीं, हम अब से मैं भी उसके साथ हूँ। तुम रुको, मैं अभी अदिति को कॉल करके सब सच सच बता देती हूँ, देखना उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अभी खत्म हो जाएगी और वो जल्दी से विवान के पास आ जाएगी। इतना कहकर उसने अपना फोन उठाया। आयुष ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रावी रुको, ऐसे नहीं, अदिति अभी विवान से बहुत गुस्सा है, ऐसे में वो किसी की भी बातें नहीं सुनेगी। अगर तुमने उससे ये सब कहा तो शायद उसे लगेगा कि तुम विवान की साइड ले रही हो,
और ऐसे में ये मामला और भी बिगड़ जाएगा। ये कोशिश विमान को खुद ही करनी पड़ेगी, और वो भी इस तरह की अदिति को पता भी ना चले कि हम लोगों ने उसकी हेल्प की है। हमसे जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे, पर असली मेहनत तो विमान को ही करनी होगी। रावी ने फोन वापस रखते हुए कहा, हाँ तुम सही बोल रहे हो। अच्छा बताओ अब क्या करना है? आयुष बोला, तुम बस अदिति के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहो और पता करो कि उसका ऑफिस कहाँ है, घर कहाँ है, उसका आने जाने का टाइम वगैरह वगैरह। ये सब हम विवान को बता देंगे ताकि वो उसके हिसाब से अपना मिशन अदिति का दिल जीतो शुरू कर सके। रावी ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय लव। तुम जितने अच्छे हस्बैंड हो उतने ही अच्छे दोस्त हो और उससे भी अच्छे इंसान हो। आई लव यू। अदिति अहमदाबाद में रॉकी के घर पर थी। वो आज पहली बार अपने ऑफिस जा रही थी। तैयार होकर जब वो हॉल में आई तो उसने देखा रॉकी और शुभेंद्र जी उसका वेट कर रहे थे। उसे देखकर रॉकी ने मुस्कुराते हुए पूछा, चले? जवाब में अदिति भी मुस्कुरा दी और उसने हाँ में सिर हिला दिया। अदिति ने उषा जी के पैर छुए। उषा जी ने उसे गले से लगा लिया और बोली, बेटा तू अगर यहाँ रहती तो मुझे बहुत खुशी होती, पर तुझे मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, तू मुझसे मिलने यहाँ आती रहेगी। अदिति ने हंसते हुए कहा, जरूर आंटी मैं जरूर आऊंगी। फिर वो रॉकी और उसके पापा के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। रॉकी का ऑफिस एक बड़ी सी बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर पर था। ऑफिस बहुत ही लाविश स्टाइल में बना हुआ था। रॉकी और उसके पापा के लिए अलग अलग केबिन थे। जूनियर्स के लिए क्यूबिकल्स बने हुए थे। वो लोग पहले शुभेंद्र जी के केबिन में गए। ये एक बहुत बड़ा केबिन था जिसके एक ओर एक बड़ी सी अलमारी में लॉ की ढेर सारी किताबें रखी हुई थी। अदिति मुंह खोले सब देख रही थी। तभी शुभेंद्र जी बोली, वेलकम बेटा जी, अब जाओ और लग जाओ काम पर। रॉकी इसे अपने साथ अपने केबिन में ले जा, जब तक इसका केबिन तैयार नहीं होता ये तेरे केबिन में ही बैठेगी। अदिति अपने पर्सनल केबिन के बारे में सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो गई। उसकी आंखों के सामने वो सपना तैर गया जिसमें उसने खुद को ऐसे ही एक बड़े से केबिन में बैठे काम करते हुए देखा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। रॉकी ने आवाज देकर उसे सपनों से जगाया और बोला, चले पार्टनर। अदिति मुस्कुराती हुई उसके पीछे पीछे चल दी। रॉकी का केबिन थोड़ा छोटा था लेकिन था बहुत सुंदर। एक बड़ी सी टेबल पर कई सारे फाइल्स रखी हुई थी। अदिति ने देखा रॉकी के चेयर के साथ वहाँ एक और चेयर लगी हुई थी। रॉकी बोला, ये तुम्हारे लिए है, आज से हम एक साथ काम करेंगे। अदिति ने घूमते हुए एक बार फिर से पूरे केबिन की ओर देखा और फिर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई। ये एक अलग सी फीलिंग थी जिसे समझा पाना बहुत ही मुश्किल था। अदिति इस एहसास को महसूस कर रही थी कि तभी उसे एक पतली सी आवाज सुनाई दी, मे आई कम इन? अदिति ने देखा दरवाजे पर एक 21-22 साल की लड़की खड़ी थी। वो दिखने में किसी स्कूल गोइंग गर्ल की तरह दिख रही थी। उसके बाल कर्ली थे और आंखों पर स्टाइलिश स्पेक्स थे। उसे देखते ही रॉकी के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन आ गई। वो बोला, या कम इन। वो लड़की अंदर आई। वो एकटक रॉकी की ओर देखे जा रही थी जिससे रॉकी को बहुत वियर्ड सी फीलिंग हो रही थी। रॉकी ने अदिति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये अदिति मैम है और अदिति ये है कुहू। कुहू ने अदिति की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हेलो मैम। इसके जवाब में अदिति ने भी उसे हेलो बोला। तभी रॉकी का मोबाइल बजने लगा और वो एक्सक्यूज मी बोलकर केबिन से बाहर चला गया। कुहू अदिति के सामने जाकर बैठ गई और हैरानी से बोली, आप राघवेंद्र सर के साथ पढ़ती थी ना, आप उनके दोस्त हो ना? अदिति को राघवेंद्र सुनकर हंसी आ गई। उसने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? कुहू थोड़ी प्राउड सी फीलिंग के साथ बोली, मैं राघवेंद्र सर के बारे में सब कुछ जानती हूँ, वो कितने अच्छे है ना। ये बोलने के बाद उसे लगा कि शायद वो कुछ गलत बोल गई है। फिर वो संभलते हुए बोली, मेरा मतलब है कि वो कितने अच्छे लॉयर हैं, हमें उनसे कितना कुछ सीखने को मिलता है। अदिति को समझ में आ रहा था कि कुहू रॉकी को बहुत पसंद करती है क्योंकि उसका नाम लेते ही उसके गालों का रंग लाल हो रहा था। अदिति ने उससे पूछा, तुम रॉकी को राघवेंद्र क्यों कहती हो, रॉकी सर भी तो बुला सकती हो ना। कुहू बोली,
उनकी ही पर्सनालिटी पर राघवेंद्र ज्यादा सूट करता है ना। रॉकी नाम तो किसी बाइकर का या म्यूजिशियन का लगता है, सर के लिए तो राघवेंद्र ही ज्यादा अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूँ कि आप ही उन्हें राघवेंद्र कहकर ही बुलाया करो। ये सुनकर अदिति को हंसी आ गई। वो इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज कितने दिनों के बाद वो इतना हंसी थी। तभी रॉकी केबिन में आया। अदिति को इस तरह हंसते देख वो खो सा गया और बस उसे ही देखने लगा। इधर कुहू भी बिना पलक झपकाए रॉकी की ओर ही देख रही थी। अदिति को अहमदाबाद आए हुए एक हफ्ता हो गया था। वो यहाँ बहुत खुश थी। यहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने अपनी लाइफ के बारे में सोचा था। उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही थी। शुभेंद्र जी भी उसके काम से बहुत खुश थे। रॉकी ने पहले ही दिन उसे उसके नए घर में शिफ्ट करवा दिया था। ये घर उसके ऑफिस से बहुत पास एक बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर पर बना हुआ एक 1 BHK फ्लैट था। अदिति को ये घर बहुत पसंद आया था। इसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर कुहू रहती थी। बीते हुए एक वीक में अदिति ने अपने घर में काफी कुछ जमा लिया था। कुहू के वहाँ होने से उसे सब कुछ करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई थी। उसके साथ रहने के बाद अदिति को पता लगा कि वो एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही हेल्पिंग नेचर वाली लड़की थी। अदिति ने अपनी सारी शॉपिंग उसी के साथ की थी। उसे भी अदिति के साथ अच्छा लगता था। अब वो अदिति को मैम की जगह अदिति दी बोलने लगी थी। वो दोनों सुबह साथ ही ऑफिस जाते थे और साथ ही वापस आते थे। आज संडे था। अदिति थोड़ा लेट सोकर उठी। उठकर उसने अपने लिए चाय बनाई और न्यूज़पेपर लेकर बालकनी में आ गई। यहाँ की बालकनी विवान के घर की बालकनी से बहुत छोटी थी। अदिति ने यहाँ पर एक चेयर रख ली थी। वो अक्सर अपनी शाम की चाय यहाँ बैठ कर ही पीती थी। आज भी वो चाय का कप लिए बैठी थी। उसने न्यूज़पेपर खोला और पढ़ने लगी। अचानक उसकी नजर एक हेडिंग पर पड़ी जिसमें लिखा था, होटल पैराडाइज ओपनिंग सून इन अहमदाबाद। अदिति ये पढ़कर शॉक्ड हो गई। वो सोच रही थी, क्या विवान अहमदाबाद में भी अपना होटल खोल रहा है? पर अचानक क्यों? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या उसे पता चल गया है कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, उसे भला कैसे पता चल सकता है? उसे कौन बताएगा? नहीं नहीं, ये कोइंसिडेंस ही होगा। पर बहुत ही अजीब सा कोइंसिडेंस है। पूरी दुनिया में उसे यही एक शहर मिला है होटल खोलने को। मैं जितना उससे दूर भागने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही वो मेरे करीब आता जा रहा है। अगर उसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो वैसे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अहमदाबाद बहुत बड़ा शहर है। उसे कैसे पता चल सकता है कि मैं भी यही हूँ? वो अपने होटल के काम के लिए अगर यहाँ आया भी तो वो अपने होटल में ही रहेगा ना। मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? पर फिर भी सवाल ये है कि अचानक वो यहाँ होटल क्यों खोलना चाहता है? ये सोचते हुए उसे याद आया कि विवान इस बारे में बहुत महीनों से प्लानिंग कर रहा था। जब उसने उसे सरोगेसी के लिए पूछा था उसी दौरान उसने ये खबर पढ़ी थी कि वो अहमदाबाद में होटल पैराडाइज ओपन करने वाला है, पर उसने इस बारे में कभी कोई बात कही नहीं थी। हो सकता है वो इतने दिनों से इसके लिए प्लान कर रहा हो। इससे ये तो पक्का हो गया कि उसके यहाँ आने के पीछे का कारण मैं तो नहीं हूँ। वो सच में यहाँ होटल खोलने के लिए ही आया है। उसे ये नहीं पता है कि मैं भी यहाँ हूँ। अब तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि वो कभी भी मेरे सामने ना आए, ना ही उसे कभी पता चले कि मैं यहाँ रहने लगी हूँ। उसने पेपर फोल्ड करके एक ओर रख दिया और आसमान की ओर देखने लगी। तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने कुहू खड़ी थी। वो चहकते हुए अंदर आई और बोली, दी आपने नाश्ता तो नहीं किया है ना? मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ा टिफिन खोला और अदिति को दिखाते हुए बोली, देखिए दी, मैंने आपके लिए पोहे बनाए हैं। जरा खाकर बताइए ना कैसे बने हैं। अदिति ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से टिफिन लिया और बोली, वाओ कुहू, तुमने तो मेरा संडे बना दिया। सच में मजा ही आ गया। थैंक यू सो मच। कुहू ने हंसते हुए कहा, अब इसमें
थैंक यू वाली कोई बात ही नहीं है दी। चलो अब नाश्ता करो, मैं चलती हूँ, शाम को आऊंगी। अदिति ने उसे रोकते हुए कहा, कुहू सुनो ना, अगर तुम्हें दिन में कोई काम ना हो तो क्या हम कहीं बाहर चलें? कहीं मतलब कहीं भी, मूवी या फिर मॉल या फिर कहीं और। आज का पूरा दिन मस्ती करेंगे, मैं रॉकी से भी पूछ लेती हूँ। रॉकी का नाम सुनते ही कुहू के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बोली, ठीक है दी, आप मुझे बता दीजिएगा कब निकलना है, मैं रेडी रहूंगी। इतना कहकर वो चली गई। उसके जाने के बाद अदिति टिफिन लेकर फिर से बालकनी में आ गई। उसने रॉकी को कॉल किया और आज की प्लानिंग बताई। वो भी तुरंत तैयार हो गया। उसने कहा, मैं तुम लोगों को पिक करने आ जाऊंगा, फिर साथ ही चलेंगे, ठीक है? अदिति ने ओके बोलकर कॉल कट कर दिया। फिर वो उठकर अंदर आ गई और तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद रॉकी उन्हें लेने के लिए आ गया था। अपने फ्लैट का लॉक लगाते समय अदिति ने देखा कि उसके सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला था। ये देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो जब से आई थी तब से वो फ्लैट बंद ही था। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लिफ्ट लेकर नीचे आ गई, जहाँ रॉकी उसका वेट कर रहा था। कुहू भी उसके साथ खड़ी थी। अदिति ने देखा उसने लाइट ब्लू कलर की टी शर्ट के साथ डेनिम के शॉर्ट्स पहने हुए थे। वो इतनी खुश लग रही थी कि उसकी स्माइल उसके चेहरे से जा ही नहीं रही थी। ये देखकर अदिति ने मन में सोचा, ये सच में रॉकी पर पूरी तरह से फिदा है, और एक ये हमारे रॉकी जी है जो इसे भाव ही नहीं देते। मुझे ही इन दोनों के लिए कुछ करना चाहिए। रॉकी को इससे प्यारी लड़की नहीं मिल सकती। मुझे कुहू की मदद करनी चाहिए। इतना सोचते हुए अदिति उन दोनों के पास आ गई। उसने मुस्कुराकर उन्हें हेलो कहा और बोली, तो क्या प्लान है, कहाँ चलने वाले हैं हम लोग? रॉकी ने हैरानी से कहा, तुम भी कमाल करती हो, खुद ने प्लान बनाकर हमें बुलाया और अब खुद ही प्लान पूछ रही हो। अदिति ने हंसते हुए कहा, अरे मेरा प्लान तो बस बाहर घूमने का था, पर बाहर जाकर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये सब तो तुम दोनों बताओगे ना। अब मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं कैसे प्लान बनाऊं? फिर वो कुहू से बोली, अच्छा कुहू, आज का प्लान तुम बनाओ, बताओ पहले कहाँ चले। कुहू ने हंसते हुए कहा, पहले यहाँ से तो चले, प्लान तो रास्ते में बना लेंगे। और वो तीनों घूमने के लिए निकल गए। पूरा दिन वो बाहर ही मस्ती करते रहे। अदिति ने आज बहुत दिनों के बाद इस तरह की आउटिंग की थी। शाम होने को आई थी। वो तीनों मॉल के बाहर वाली स्टेयर्स पर बैठे थे। रॉकी उनके लिए आइसक्रीम लेकर आया। आइसक्रीम खाते हुए अदिति ने कहा, आज तो बहुत ही मजा आया, मुझे ना रावी की बहुत याद आ रही है, अगर वो होती ना तो और भी मजा आता। रॉकी बोला, तुम सही बोल रही हो यार, मैं भी उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। कुहू ने हैरानी से पूछा, ये रावी कौन है? अदिति ने देखा उसकी आंखों में सवाल के साथ एक डर भी था। वो बोली, रावी हमारी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी हमारे साथ कॉलेज में थी, अब उसकी शादी हो गई है तो वो अपने हस्बैंड के साथ भोपाल में रहती है। कुहू ने जब ये सुना कि रावी की शादी हो चुकी है तो उसके चेहरे की टेंशन गायब हो गई थी। वो बोली, अगर आप दोनों उन्हें इतना मिस कर रहे हो तो उन्हें कॉल कर लीजिए ना। रॉकी बोला, गुड आइडिया, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। रॉकी ने रावी को वीडियो कॉल कर दिया, पर उसने कॉल पिक नहीं किया। अदिति ने कहा, शायद वो बिजी होगी, कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में बात कर लूंगी। अच्छा आप चलो ना, चलकर कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। रॉकी उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ उन तीनों ने साथ में डिनर किया और फिर रॉकी उन दोनों को छोड़ने के लिए उनके घर तक आया। वहाँ उन तीनों ने देखा किसी के घर का सामान शिफ्ट हो रहा था। कुहू ने हैरानी से कहा, लगता है हमारी बिल्डिंग में कोई रहने आया है। अदिति ने इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए कहा, हो सकता है, हमें क्या, चलो अब चलते हैं, मैं तो बहुत थक गई हूँ, बाय रॉकी एंड थैंक यू फॉर वंडरफुल डे। रॉकी उन्हें बाय बोलकर चला गया। तब तक कुहू ने बिल्डिंग के केयरटेकर से जाकर पता किया कि ये सामान किसका है। अदिति उसे देखते हुए सोच रही थी, इसे इन सब बातों की इतनी पंचायत क्यों है यार, आया होगा कोई, हमें क्या लेना देना है। थोड़ी देर में कुहू उसके पास आई और हंसते हुए बोली, बधाई हो दी, कोई आपके फ्लोर पर ही रहने आया है। अदिति ने हैरानी से कहा,
तो इसमें तुम मुझे क्यों बधाई दे रही हो? गुहू ने कहा, अरे इस फ्लोर पर अभी तक आप अकेली रहती थी ना, अब आपको कंपनी मिल जाएगी। आदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, गुहू तुम्हारे रहते हुए मुझे किसी और की कंपनी की क्या जरूरत है, और वैसे भी मुझे ज्यादा किसी से खुलने मिलने का कोई शौक नहीं है। मेरे लिए तो मैं भली और मेरा घर भला, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पड़ोस में कोई रहता हो या नहीं। अब चले, मुझे बहुत नींद आ रही है यार। कुहू ने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों लिफ्ट की ओर चल दी। अपने घर पे पहुँचते ही अदिति ने जल्दी से चेंज किया और सोने चली गई। अगली सुबह उठकर वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसे पास वाले घर से ठक ठक की आवाज आने लगी। वो सोचने लगी, किसी को रहने के लिए यही फ्लोर मिला था क्या? इस बिल्डिंग में और भी कई सारे फ्लैट्स खाली हैं, पर नहीं, किसी को मेरी शांति ही खत्म करनी थी। पता नहीं कौन लोग होंगे। सोचते हुए वो तैयार हुई और ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचते ही वो इस बारे में सब कुछ भूल गई थी। शाम को वापस आते वक्त कुहू ने उससे पूछा, दी आपने देखा आपके पड़ोस में कौन रहने आया है? अदिति थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, कुहू मैंने तुम्हें पहले भी बताया ना, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन आया है। वो दोनों घर आ गई। अदिति ने रोज की तरह अपने लिए चाय बनाई और कप लेकर बालकनी में आ गई। बालकनी में आते ही उसने देखा उसके ठीक साइड वाली बालकनी में एक हैंगिंग झूला लगा हुआ था। अदिति की बालकनी और साइड वाली बालकनी के बीच केवल 2 फीट का ही फासला था। अदिति ने थोड़ा सोचा और फिर वो अपनी चेयर पर बैठ गई और चाय पीने लगी। थोड़ी देर के बाद उसे उस फ्लैट से गाने की आवाज सुनाई देने लगी, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अदिति को गाने सुनना अच्छा लग रहा था, उसे लगा शायद कोई न्यूली मैरिड कपल है। अब दूसरा गाना बजने लगा था, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो अगर खता हो गई। अब अदिति को यहाँ बैठना बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। उसने सोचा, शायद अब यहाँ बैठना बंद करना पड़ेगा। वो उठकर अंदर आ गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हैरानी की बात ये थी कि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था। अब उसके पड़ोस में एक घर खाली था जहाँ कोई रहने आ गया। ये बहुत नॉर्मल सी बात थी, पर उसे बुरा लग रहा था। उसे इस फ्लोर पर अकेले रहने की आदत हो गई थी, इसलिए किसी के आ जाने से उसे अपनी प्राइवेसी के खत्म होने का डर सता रहा था। वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा रावी का कॉल था। उसने कॉल पिक किया। दूसरी ओर से रावी की प्यारी सी आवाज आई, हाय मेरी जान, कैसी है तू? वहाँ पर कैसा लग रहा है? अदिति ने कहा, मैं ठीक हूँ। रावी उसकी आवाज सुनकर समझ गई थी कि कोई प्रॉब्लम है। वो बोली, क्या हुआ अदिति, तू परेशान लग रही है, सब ठीक है ना? अदिति ने जवाब दिया, हाँ यार वैसे तो सब ठीक है, पर बात यह है कि मैं अभी जहाँ रह रही हूँ ना, वहाँ मेरे पड़ोस में कोई रहने आ गया है और मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग आ रही है। आई नो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रावी ने थोड़ा डरते हुए पूछा, तूने देखा नहीं कि कौन रहने आया है? अदिति बोली, नहीं यार नहीं देखा, और मैं देखना चाहती भी नहीं हूँ। होगा कोई मुझे क्या, मुझे तो बस प्रॉब्लम इस बात से है कि उनके होने से मुझे डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। रावी ने धीरे से कहा, अदिति तू एक बार देख तो ले कौन है, हो सकता है उसके वहाँ होने से तुझे कोई डिस्टरबेंस ना हो बल्कि तेरी कोई हेल्प ही हो जाए। अदिति ने थोड़ा सोचते हुए कहा, शायद तू सही बोल रही है, मैं कुछ ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। अरे यार चल ठीक है मैं देखती हूँ। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर वो खाना खाकर सोने के लिए चली गई। अगला दिन भी उसका रोज की तरह ही बीता। शाम को बालकनी में जाने से पहले वो सोचने लगी कि उसे जाना चाहिए या नहीं। फिर उसने सोचा, आखिर मैं इतनी टेंशन क्यों ले रही हूँ, वो जो कोई भी है अपने घर में है और मैं अपने घर में, फिर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, किसी के भी आने से मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है, मैं तो बिल्कुल वैसी ही रहूंगी जैसे अभी तक रहती आई हूँ। इतना सोचकर वो बालकनी में चली गई। उसे बैठे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि
कि उसे फिर से गाना सुनाई देने लगा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके हरमा हुए पूरे दिल के। अदिति भी साथ में गुनगुनाने लगी। वो सोच रही थी कि जो कोई भी है इसकी गानों की चॉइस बहुत अच्छी है। अब उसकी उत्सुकता बढ़ रही थी कि आखिर ये है कौन। कुछ देर के बाद गानों की आवाज आनी बंद हो गई। अदिति ने देखा किसी ने उस बालकनी का दरवाजा खोला और बाहर आया। अदिति ने जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखा, वो अपनी चेयर पर से खड़ी हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि विवान खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। विवान अदिति के पड़ोस में रहने आ गया था। अदिति ने जब उसे अपनी बालकनी से देखा तो पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। विवान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर अदिति ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विवान हंसते हुए बोला, अपनी बालकनी में खड़ा हूँ, अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? अदिति ने तेज आवाज में कहा, विवान तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे कोई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? विवान ने भी तेज आवाज में ही जवाब दिया, हेलो, तुमसे किसने कहा है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? खुद को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो, ओके? जब तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया और मुझे माफ करने से मना कर दिया, तो मैंने भी वो बात वहीं खत्म कर दी थी। अगर तुम मेरी बात ही नहीं सुनना चाहती हो तो अब मुझे भी तुमसे कुछ नहीं कहना है। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो गलत था, ये मैं जानता हूँ, पर वो सब मैंने किसी कारण से किया था और मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, पर तुमने मुझे अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया। अरे लोग तो अपने दुश्मनों तक को एक मौका देते हैं, फिर मैं तो तुमसे प्यार। इतना कहकर वो रुक गया। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद अदिति के दिल में भी एक दर्द का एहसास हो रहा था। फिर वो आगे बोला, मैं यहाँ अपने होटल के काम से आया हूँ। मैं यहाँ पर होटल पैराडाइज ओपन करने वाला हूँ और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने तक मैं यहीं रुकने वाला हूँ। अदिति गुस्से में बोली, मैं सब समझती हूँ विवान, तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो, है ना? तुम्हारी ये सब ट्रिक्स मुझ पर नहीं चलने वाली है। तुम चाहे जो भी कुछ कर लो, मैं अब कभी भी तुम्हारे पास नहीं आने वाली हूँ। विवान ने हंसते हुए कहा, अरे पर तुमसे किसने कहा है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ? मैंने तुम्हें बताया ना, मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ। अदिति बोली, अच्छा अगर ये बात है तो पूरे अहमदाबाद में तुम्हें यही एक बिल्डिंग और यही एक फ्लैट मिला था रहने के लिए? तुम पहले से जानते थे ना कि मैं यहाँ रहती हूँ? सच सच बताओ, तुम्हें सब पता था ना? वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? किसने बताया तुम्हें? विवान ने जवाब दिया, इनफ अदिति, शायद तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने होटल के काम से आया हूँ। और एक बात, हाँ ये सच है कि मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, इसलिए मैंने भी अब ये इरादा छोड़ दिया है। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अब से हम दो अजनबियों की तरह रहेंगे, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ। फिर उसने अपने हाथ जोड़कर नाटक करते हुए कहा, हेलो जी, नाइस मीटिंग यू, कैसी हैं आप? अदिति चिढ़ते हुए बोली, ओह प्लीज जस्ट शट अप, स्टॉप दिस नॉनसेंस। देखो विवान, मैं आखिरी बार तुमसे बोल रही हूँ, या तो तुम यहाँ से चले जाओ या फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। विवान झूले पर बैठता हुआ बोला, मेरे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, रही बात तुम्हारे जाने की तो वो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम जाना चाहती हो तो शौक से जा सकती हो। अदिति पैर पटकती हुई वहां से जाने लगी, तभी विवान ने उसे आवाज देकर रोका और बोला, अदिति वैसे शायद तुम्हें एक बात पता नहीं होगी। अदिति उसकी ये बात सुनकर रुक गई और सोचने लगी कि ऐसी क्या बात है जो उसे नहीं पता है। वो दो कदम आगे आई और अपने हाथ बांध कर विवान को घूरने लगी। विवान भी उसे देख रहा था, वो वेट कर रहा था कि अदिति उससे पूछेगी कि उसे क्या पता नहीं है, पर उसने कुछ नहीं पूछा तो विवान खुद ही बोला,
ये घर तुमने खुद रेंट पर लिया है? अदिति ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं इसे अपनी मर्जी से छोड़ तो सकती हूँ ना? विवान बोला, जरूर छोड़ सकती हो, पर अगर ये घर तुमने नहीं लिया है तो इसका मतलब किसी और ने तुम्हारे लिए इसे रेंट पर लिया होगा, है ना? इतना बोलकर उसने थोड़ा सा पॉज लिया, जिसमें वो अदिति के रिएक्शन को देख रहा था। फिर वो आगे बोला, तो मैडम क्या आपको पता है कि यहाँ पर 6 महीने का रेंट एडवांस में लेने का रूल है और ये नॉन रिफंडेबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी तुम्हारे लिए ये घर रेंट पर लिया है उसने ये एडवांस रेंट पे किया होगा। अब अगर तुम ये घर छोड़ देती हो तो वो 6 महीने का रेंट तो डूब जाएगा, टोटल वेस्ट। फिर वो गहरी सांस लेते हुए बोला, पर तुम्हें से क्या, तुम चली जाओ यहाँ से, मेरे लिए भी अच्छा होगा, कम से कम तुम्हारा गुस्से से भरा चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा ना। ये सुनकर अदिति को और भी गुस्सा आ गया। वो बोली, तो मैंने भी तुम्हें इनवाइट नहीं किया है अपना चेहरा दिखाने के लिए, और मैं यहाँ से जाऊंगी या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं, समझे? इतना कहकर वो गुस्से में दंदनाती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद विवान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन बोला, मेरी जान, मैं तुम्हें अपने से दूर कभी जाने भी नहीं दूंगा, आगे आगे देखती जाओ मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें फिर से अपना बना के ही दम लूंगा। फिर उसने एक पल के लिए उसकी बालकनी की तरफ देखा और प्यार से बोला, आई लव यू अदिति, एंड आई मिस यू सो मच, बस अब तुम जल्दी से ये गुस्सा भूल कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ यार। फिर थोड़ी देर बाद वो भी अंदर चला गया। अदिति अपने बेडरूम में बैठी हुई गुस्से से भुनभुना रही थी। वो बड़बड़ाने लगी, ये समझता क्या है खुद को, कहता है होटल के काम से आया हूँ, जैसे मैं जानती नहीं हूँ कि ये मेरे पीछे पीछे ही यहाँ आया है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे अहमदाबाद शहर में इसे रहने के लिए मेरे पड़ोस वाला फ्लैट ही मिला। ये सब इसने सोच समझ कर किया है, पर सवाल ये है कि इसे पता कैसे चला कि मैं कहाँ रह रही हूँ, किसने बताया होगा इसे। खैर जो भी हो, अगर ये यहाँ रहेगा तो मैं यहाँ हरगिज नहीं रह सकती, मैं अभी रॉकी को कॉल करके बोल देती हूँ कि वो मेरे रहने का अरेंजमेंट कहीं और कर दे। इतना बोलते हुए उसने अपना फोन उठाया और रॉकी का नंबर डायल कर दिया, पर तभी उसे विवान की बात याद आई। उसने इस बारे में सोचते हुए फोन कट कर दिया। वो सोच रही थी, अगर सच में रॉकी ने एडवांस रेंट दिया होगा तो उसका तो लॉस हो जाएगा, एक तो वो मेरी मदद कर रहा है और फिर मेरे कारण नुकसान भी सहे। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं होगा, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे यही रहना होगा, पर इस खड़ूस का क्या करूं, मुझे इसे झेलना ही पड़ेगा, मैं इस पर ध्यान ही नहीं दूंगी, और वैसे भी दिन भर तो मैं ऑफिस में रहूंगी और शाम को घर के अंदर रहूंगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं इसके सामने आऊंगी ही नहीं तो इसे झेलने का तो सवाल ही नहीं उठता, इसका सारा प्लान फेल हो जाएगा। अदिति इस बात से खुश हो रही थी, तभी उसे विवान के घर से जोर जोर से गाने की आवाज सुनाई दी। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। अदिति को ये सुनकर बहुत इरिटेशन हो रहा था, जबकि विवान अपने घर में बैठा मजे ले रहा था। वो जानबूझकर अदिति को चिढ़ाने के लिए ये सब कर रहा था। वो बैठा बैठा उसी के बारे में ही सोच रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसने देखा आयुष का कॉल था। विवान ने कॉल पिक करके कहा, हाय बड़ी, व्हाट्सअप? आयुष ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है भाई, आज तो तेरी आवाज की खनक ही अलग है, लगता है सारा मामला सेट हो गया है। विवान ने भी हंसते हुए जवाब दिया, अरे अभी तक तो नहीं, पर जल्दी ही सेट हो जाएगा, वो अभी भी मुझसे बहुत गुस्सा है, पर मुझे यकीन है कि मैं उसे मना लूंगा, मेरा प्लान काम कर रहा है, तुझे पता है आयुष, वो आज भी मुझसे बहुत प्यार करती है, ये प्यार उसकी आंखों में दिखता है, वो इसे जाहिर नहीं होने दे रही है, अपने गुस्से के कारण वो ऐसा दिखा रही है मानो उसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, वो मुझे भूल चुकी है, पर तू देखना, वो ज्यादा दिन तक अपने प्यार को नहीं छिपा पाएगी, उसे फिर से अपने प्यार का इजहार करना ही होगा। आयुष बोला, मैं दुआ करूंगा कि वो दिन जल्दी से आ जाए, पर दोस्त तुझे भी मानना पड़ेगा, तू एक सच्चा आशिक है।
ये सुनकर विवान हंसने लगा और बोला, अरे मेरी जान, इसी आशिकी ने तो जिंदा रखा है, वरना मैं तो कब का खत्म हो गया होता। अच्छा चल, अब मैं रखता हूँ, हम बाद में बात करते हैं। आयुष ने बाय बोलकर फोन रख दिया। रात हो चुकी थी। अदिति अपने बेड पर लेटी हुई सोने की कोशिश कर रही थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। विवान के यहाँ होने से उसे अच्छा लग रहा था और इसीलिए वो खुद से गुस्सा हो रही थी। ये बहुत अजीब सी बात थी, जब आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हो तो चाहकर भी उससे नाराज नहीं रह सकते। आपका दिल उसे सामने देखते ही जोर से धड़कने लगता है। दिल आपकी नाराजगी, आपकी शिकायतें नहीं समझता, वो तो बस प्यार को समझता है। और अदिति का दिल भी उसी प्यार को महसूस कर रहा था। विवान उसके इतना पास था, वो चाहती तो अभी सब कुछ भूल कर उसके साथ फिर से रह सकती थी। ये ख्याल आते ही वो खुद को समझाने लगी, मुझे विवान के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। उसने जो भी किया वो मैं इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ये सोचते सोचते उसकी आंखों के सामने विवान का चेहरा आ गया। जब उसे प्यार से देखता था या उसे प्यार करता था, तब उसका चेहरा कितना मासूम और प्यारा लगता था। मन करता था बस उसे देखती ही रहूं। वो अपने बीते हुए पलों को याद करते हुए सो गई। विवान को भी आज बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो अदिति के इतना पास था कि कम से कम रोज उसे देख तो सकता था, और भले ही गुस्से में ही सही, उससे बात कर सकता था। इस समय तो उसे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए था। वो भी आज बहुत दिनों के बाद आराम से सो गया। अगली सुबह अदिति तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकली। जैसे ही वो लिफ्ट के सामने पहुंची, विवान भी अपने फ्लैट से बाहर आ गया। उन दोनों की नजरें आपस में टकरा गई। अदिति ने आज पता नहीं कितने दिनों के बाद उसे गौर से देखा। ब्लैक सूट में वो एकदम डैशिंग लग रहा था। अदिति को उसके साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ गई। उस दिन भी वो उसे इसी तरह बस देखती ही रह गई थी। आज भी वो उतना ही प्यारा लग रहा था। कुछ पलों तक वो उसे ऐसे ही घूरती रही। फिर जब उसकी नजरें विवान से मिली तो उसे समझ में आया कि वो क्या कर रही थी। उसने तुरंत अपनी नजरें उस पर से हटा ली। विवान ने मुस्कुराते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहा, पर उसने अपना मुंह फेर लिया। वो सोचने लगी, इसके साथ लिफ्ट में जाने से तो अच्छा है मैं सीढ़ियों से चली जाती हूँ। वो मुड़ी ही थी कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। अंदर से कुहू ने उसे आवाज दी, अरे दी, कहाँ जा रहे हो, आओ ना। अब अदिति के पास लिफ्ट से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। विवान ने एक साइड होकर उसे अंदर जाने के लिए रास्ता दिया। वो उसे गुस्से से घूरती हुई लिफ्ट में चली गई। विवान भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। लिफ्ट बंद हो गई। अदिति अभी भी उसे गुस्से से देख रही थी, मानो अपनी आंखों से उसे समझा रही हो कि वो कुहू के सामने कुछ ना कहे। फिर उसने कुहू की ओर देखा, जो विवान को बहुत ध्यान से देख रही थी। शायद वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। आखिर उसे याद आ ही गया। वो बोली, आप विवान मेहता है ना? विवान ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ठीक पहचाना आपने, मैं विवान मेहता ही हूँ। कुहू खुशी के मारे उछल पड़ी और बोली, माय गॉड, विवान मेहता, दी विवान मेहता, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आपको पता नहीं है मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। मैंने आपके सारे केसेस को स्टडी किया है। आपने 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 प्रैक्टिस क्यों छोड़ दी सर? यू वर जस्ट सुपर्ब लॉयर। ये सुनकर अदिति और विवान दोनों ही हैरान हो गए थे। विवान बहुत ही फेमस पर्सनालिटी था, पर अब लोग उसे सिर्फ एक बिजनेस टाइकून की तरह जानते थे। एज अ लॉयर उसकी तारीफ करने वाला आज सालों बाद उसे कोई मिला था। उसे तो लगता था कि शायद लोग ये भूल ही गए हैं कि अपने टाइम में वो भी बहुत बड़ा लॉयर हुआ करता था। कुहू की बात सुनकर वो बोला, थैंक यू सो मच मिस। इतना बोलकर उसने कुहू की तरफ देखा, जिसे तुरंत समझ में आ गया कि वो उसका नाम पूछ रहा है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कुहू मिश्रा, मैं भी लॉ पढ़ रही हूँ। विवान ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू मिस कुहू। कुहू ने भी अपना हाथ आगे कर दिया और विवान से हाथ मिलाया।
अदिति चुप खड़ी उन दोनों को देख रही थी। उसे विवान पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने एक बार भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। तब तक लिफ्ट भी ग्राउंड फ्लोर पर आ गई थी। वो तीनों लिफ्ट में से बाहर आ गए। कुहू ने विवान से पूछा, तो वो आप है जो हमारी बिल्डिंग में रहने आए हैं? विवान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी अब हम पड़ोसी हैं। कुहू हंसने लगी। अदिति को वहाँ रुकना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोली, कुहू चले हम लेट हो रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर कुहू ने उसकी ओर इस तरह से देखा मानो उसे अभी अभी एहसास हुआ हो कि वो भी उनके साथ है। वो चहकते हुए बोली, दी आपने इन्हें पहचाना? ये विवान मेहता है, पहले ये भी लॉयर ही थे, अब इनके अपने होटल्स हैं। अदिति और विवान ने खामोशी से एक दूसरे को देखा। अदिति और कुहू विवान के साथ बिल्डिंग की पार्किंग में थे। कुहू ने विवान को अदिति से इंट्रोड्यूस करवाया, पर फिर उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, मैं भी क्या आपको बता रही हूँ, अरे ये भी तो आपके इंदौर के ही हैं, तो आप तो इन्हें पहचानती ही होगी, है ना? अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर थोड़ी तेज आवाज में बोली, कुहू प्लीज अब चले। कुहू ने विवान की ओर देखते हुए कहा, अच्छा सर हम लोग चलते हैं, अब तो आपसे मिलना होता ही रहेगा, अब हम पड़ोसी जो है, चलिए बाद में मिलते हैं, बाय। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस कुहू मैं आपको कहीं छोड़ दूं? इसका जवाब अदिति ने थोड़ा गुस्से से दिया, नो थैंक्स हम चले जाएंगे, चलो कुहू। विवान ने भी गुस्से से कहा, मैंने मिस कुहू को पूछा था, आपको नहीं। एनीवेज बाय मिस कुहू, बहुत जल्द मिलते हैं। इतना कहकर उसने अपने गॉगल्स पहने और फिर जाकर अपनी कार में बैठ गया। अदिति ने देखा कि वही कार थी जो उसने उसे गिफ्ट में दी थी। अदिति मन में सोच रही थी कि जानबूझकर यही कार लेकर आया है। विवान कार लेकर निकल गया, उसके पीछे पीछे अदिति और कुहू भी चलने लगे। कुहू बोली, क्या दी आपने मना क्यों कर दिया, जरा सोचिए हमें विवान मेहता ने लिफ्ट ऑफर की, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, वो कितनी हैंडसम है, क्या पर्सनालिटी है, क्या आवाज है, और आंखें, उफ़ उन गहरी नीली आंखों का तो क्या ही कहना। उसके मुंह से विवान के लिए ये सब सुनकर अदिति को पता नहीं क्यों पर जलन होने लगी थी। वो थोड़ा गुस्से से बोली, ये सब क्या है कुहू, मैं जाकर तुम्हारे राघवेंद्र सर को बताऊं कि तुम्हें कोई और हैंडसम मिल गया है। कुहू ने डरते हुए पूछा, अरे नहीं दी प्लीज, ये सब तो मैंने यूं ही कह दिया, वैसे राघवेंद्र सर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो तो सबसे अलग है, सबसे अच्छे हैं। इतना कहते हुए वो जैसे कहीं सपनों में खो गई। अदिति उसे हल्का सा धक्का देकर होश में लाई, फिर हंसते हुए बोली, कुहू तुम भी ना बिल्कुल पागल हो, अगर तुम्हें रॉकी इतना ही पसंद है तो तुम उसे बोल क्यों नहीं देती। कुहू ने शर्माते हुए कहा, मुझे उनसे बहुत डर लगता है दी, उनके सामने तो मेरी कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं होती है, तो इतनी बड़ी बात मैं कैसे बोल दूं? अदिति ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, कुहू प्यार में डरने से काम नहीं चलता है, तुम्हें थोड़ी हिम्मत तो दिखानी ही होगी, और फिर जब तक तुम बोलोगी नहीं तो रॉकी को पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है। प्यार को ज्यादा दिन तक अपने अंदर छुपाकर नहीं रखना चाहिए कुहू, एक बार हिम्मत करके बोल दो, और मुझे लगता है कि रॉकी का जवाब हाँ ही होगा, उसे तुम जैसी प्यारी लड़की और कहाँ मिलेगी। ये सुनकर कुहू खुश हो गई और बोली, दी आपकी बातें सुनकर ना ऐसा लगता है जैसे आपने भी किसी से प्यार किया है, बताइए ना दी आप भी किसी से प्यार करती हो क्या? कुहू का ये सवाल सुनकर अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया, वो खामोश सी चलने लगी। उसने कुहू को कोई जवाब नहीं दिया था। कुहू ने उसकी ओर देखा, वो भले ही उम्र में छोटी थी और उसने बहुत ज्यादा दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन अदिति का चेहरा देखकर वो ये बात समझ गई थी कि उसने अदिति की कोई दुखती नस दबा दी है। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि वो अदिति से इसका कारण पूछे, फिर क्या पता क्या सोचकर वो चुप हो गई। थोड़ी देर में ही वो दोनों ऑफिस पहुंच गए थे।
वहाँ पहुँच कर उन्होंने देखा रॉकी और शुभेंद्र जी कोर्ट जाने के लिए तैयार थे। अदिति ने जब ये देखा तो वो जल्दी से बोली, आई एम सॉरी मैं लेट हो गई, मैं अभी अपना बैग रख कर आई, फिर हम चलते हैं। वो जैसे ही अपने केबिन की ओर जाने लगी, शुभेंद्र जी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटा तुम लेट नहीं हो, हम लोग ही थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है, उनके नए ऑफिस की ओपनिंग है तो हम वहाँ जा रहे हैं, वहीं से कोर्ट चले जाएंगे। वैसे भी आज कोर्ट में ज्यादा काम नहीं है तो तुम ऑफिस में ही रहो, कोर्ट का काम है मैं और रॉकी देख लेंगे। अदिति ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है सर। शुभेंद्र जी मुस्कुराते हुए निकल गए। रॉकी ने भी उसकी ओर देख कर स्माइल किया और बोला, बाय, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, और फिर वो चला गया। कुहू उसे जाते हुए देख रही थी। अदिति ने उसे देखा और फिर सीधा अपने केबिन की ओर चल दी। थोड़ी देर बाद कुहू भी उसके केबिन में आ गई। उसे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसने वो प्यार वाली बात करके अदिति को दुखी कर दिया था। वो उसका मूड ठीक करना चाहती थी, इसलिए वो बोली, आज कितना रिलैक्स लग रहा है नदी, कोई काम नहीं, वरना रोज तो हम आते ही फाइल्स के बीच में गुम हो जाते हैं। अदिति एक फाइल पढ़ रही थी। उसने बिना कुहू की ओर देखे हुए सिर्फ में उसकी बात का जवाब दिया। कुहू को लग रहा था कि वो शायद उससे गुस्सा हो गई है, इसलिए उससे बात नहीं कर रही। वो किसी भी तरह उसका माइंड डाइवर्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने बात को बदलने के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अरे दी, आपको पता है ये जो विवान मेहता है ना, इनका भी कोई पंगा हुआ था। मैंने सुना है कि इनकी शादी होने वाली थी और इनकी दुल्हन इन्हें मंडप में ही छोड़कर चली गई थी, तब से आज तक ये सिंगल ही घूम रहे हैं। ये सुनकर अदिति के दिल पर धक्का सा लगा। वो विवान के बारे में गॉसिप नहीं सुनना चाहती थी, बल्कि कुहू ने ये बात जिस अंदाज में कही थी उससे उसे बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। हालांकि कुहू ने ये बात इसलिए छेड़ी थी ताकि अदिति का ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो जाए। वो नहीं जानती थी कि उसकी बातों से अदिति और भी ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो रही थी। अदिति ने कुहू की बात सुनकर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और ऐसा शो किया कि जैसे उसने वो बात सुनी ही नहीं। वो अपनी फाइल में ही देखती रही, लेकिन कुहू भी कहां मानने वाली थी। उसने अपनी आवाज को बड़े ड्रामेटिक अंदाज में चेंज करते हुए कहा, वैसे दी मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कोई लड़की विवान मेहता जैसे लड़के को कैसे छोड़ सकती है। अरे भाई, वो विवान मेहता है, उसका तो केवल नाम ही काफी है, फिर वो सक्सेसफुल है, इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है, यंग है, हैंडसम है, कुल मिलाकर उसके पास हर वो चीज है जो कोई लड़की किसी लड़के में ढूंढती है। फिर पता नहीं कौन बेवकूफ होगी जो इतने अच्छे लड़के को छोड़कर चली गई। फिर वो अपने हाथों में पेंसिल को घुमाते हुए थोड़ा सोचते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि ये शायद बाय नेचर बहुत बुरा होगा। अब हमें क्या पता, हम तो केवल उतना ही जानते हैं जितना हमने इसके बारे में मीडिया में देखा या पढ़ा है। असल जिंदगी में ये कैसा है किसे पता, हो सकता है इसने उस लड़की के साथ कोई बुरा सलूक किया हो। मैंने सुना है कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके लिए फीलिंग्स की कोई अहमियत नहीं होती, ये तो अपने हर रिलेशन को अपने रिमोट से कंट्रोल करना चाहते हैं। ये विवान भी मुझे इसी टाइप का लगता है, इसीलिए तो इसकी दुल्हन इसे छोड़ गई और उसके बाद से इसे और कोई मिला ही नहीं, वरना इतना हैंडसम और इतना रिच बंदा सिंगल रहे, ये बात तो हजम नहीं होती भाई। फिर उसने हंसते हुए बड़े मजाकिया अंदाज में कहा, वैसे अगर विवान मेहता जैसे लड़के के साथ मेरा रिलेशनशिप होता ना, तो मैं किसी भी कंडीशन में उसे नहीं छोड़ती, चाहे मुझे वो अपने रिमोट से चलाता तब भी मैं उसे। उसका सेंटेंस अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि अदिति ने जोर से चिल्लाकर चढ़ते हुए कहा, शट अप कुहू, ये तू क्या बकवास कर रही है, प्लीज स्टॉप इट। तू विवान को जानती भी नहीं है और फिर उसके बारे में ये सब बोलने का तुझे क्या हक है। तू कैसे बोल सकती है कि उसका नेचर खराब है या वो किसी के साथ बुरा सलूक कर सकता है। हो सकता है उसके साथ कोई और प्रॉब्लम रही हो, किसी को बिना जाने तू उसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे बोल सकती है। कुहू चुप होकर बहुत हैरान से अदिति को देख रही थी। उसे उसका ये गुस्सा करना समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो ये भी पता नहीं था कि उसकी किस बात से वो इतना गुस्सा हो गई थी, वो तो इन जनरल बात कर रही थी। कुहू का चेहरा देखकर अदिति को एहसास हुआ कि वो शायद कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गई थी। कुहू सच में विवान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, तो उसे कैसे पता होता कि वो कितना अच्छा और कितना केयरिंग है। वो तो वही बोल रही है जो उसने सुना है या पढ़ा है। विवान के बारे में इसी तरह की गॉसिप्स छपती रहती थी, पर किसी को उसका सच नहीं पता था। अदिति को उसके बारे में ये सब सुनना बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो सहन नहीं कर पाई
जब कुहू ने विवान के लिए इतनी सारी बातें कह दी। कुहू उसका ये रूप देखकर एकदम से सहम गई थी। वो तो ये समझ रही थी कि वो इन हल्की फुल्की बातों से अदिति का बिगड़ा हुआ मूड ठीक कर रही है, पर अदिति का मूड तो और भी खराब हो गया था। कुहू ने बहुत ही धीमी आवाज में किसी छोटे बच्चे की तरह माफी मांगते हुए कहा, I'm sorry दी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मुझे नहीं पता था कि आपको इस तरह की बातें पसंद नहीं है। मैं आपको गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अदिति ने जब ये देखा तो वो मन ही मन गिल्टी फील करने लगी। वो सोच रही थी कि उसने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। कुहू को उसकी और विवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो अपनी चेयर से उठी और कुहू के पास वाली चेयर पर आकर बैठ गई। फिर बहुत प्यार से बोली, I'm sorry कुहू, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे गॉसिप करना नहीं अच्छा लगता यार। जब हम किसी की लाइफ के बारे में पूरा सच नहीं जानते हो तो हमें उस पर कोई बात करने का कोई हक नहीं बनता। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? हमें तो पता ही नहीं है ना कि सामने वाले की लाइफ में एक्चुअली क्या हुआ है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो सही है या गलत? किसी की भी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना अच्छी बात नहीं होती है यार, खासतौर से जब हमें उस आदमी से या उसकी जिंदगी से कोई मतलब ही ना हो, तो फिर हमें उसके बारे में कोई भी डिस्कशन क्यों करना चाहिए। चल कोई बात नहीं, हम इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। कुहू अभी भी अदिति के रूखे बिहेवियर से सहमी हुई थी। उसकी सूरत देखकर अदिति ने माहौल को लाइट बनाते हुए कहा, वैसे तूने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही, आज का दिन सच में बहुत ही रिलैक्सिंग है, ज्यादा काम भी नहीं है, तो चल हम दोनों चलकर थोड़ी आउटिंग करके आते हैं। कुहू अदिति को देखकर हैरान थी। अभी थोड़ी देर पहले तक उस पर गुस्सा करने वाली अदिति अचानक से बहुत काम लग रही थी। वो धीरे से बोली, पर हम ऑफिस छोड़कर कैसे जाएंगे? सर को पता चलेगा तो वो गुस्सा होंगे। अदिति ने हंसते हुए कहा, नहीं होंगे, रॉकी से मैं बात कर लूंगी, और फिर मैं पूरा दिन घूमने का नहीं बोल रही हूँ, मुझे तो ना अब जोरों की भूख लगी है, इसलिए हमें पास वाले चाइनीज रेस्टोरेंट में चलकर कुछ चाइनीज खाना खाना चाहिए, तो चले। अदिति को पता था कि चाइनीज कुहू की कमजोरी थी और वो किसी भी वक्त चाइनीज ट्रीट के लिए रेडी हो जाती थी, और वैसा ही हुआ। कुहू ने मुस्कुराते हुए हाँ बोल दी। फिर वो दोनों ऑफिस से निकल गई। रेस्टोरेंट में पहुंचकर दोनों ने एक कॉर्नर वाली टेबल खाली देखी और वहां जाकर बैठ गई। तुरंत ही उनका ऑर्डर लेने के लिए आ गया। अपने खाने का ऑर्डर देने के बाद अदिति ने कहा, कुहू फिर से सॉरी। कुहू ने हंसते हुए कहा, अब छोड़िए ना दी, वो बात खत्म हो गई, और फिर अब तो आप मुझे चाइनीज खिला रही हो, इसके बाद तो आपके 100 गुना माफ। वो दोनों ही जोर से हंसने लगी। अदिति कुहू को बहुत पसंद करने लगी थी, वो उसे सच में अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगी थी, पर आज तक उसने उससे उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पूछा था। आज मौका भी था और टाइम भी, तो वो दोनों अपनी अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगे। थोड़ी देर के बाद उसका खाना आ गया। खाना खाते हुए अदिति ने देखा पानी खत्म हो गया था। उसने वेटर को ढूंढने के लिए अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई, तभी उसकी नजर डोर पर गई, जहां से उसे विवान आता हुआ दिखाई दिया। वो हैरानी से उसे देख रही थी और सोच रही थी, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो अपने काम के लिए गया था ना, तो फिर यहाँ कैसे आ गया? आखिर इसे पता कैसे चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि या तो इसने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं, या फिर ये खुद मेरा पीछा कर रहा है। पर अब बस बहुत हो गया, अब पानी सर से ऊपर चला गया है, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इससे बात करनी ही होगी। विवान उसके पास वाली टेबल पर आकर बैठ गया था। अब कुहू की नजर भी उस पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे सर आप यहाँ, क्या कोइंसिडेंस है? विवान मुस्कुराता हुआ बोला, मेरे क्लाइंट्स ने मुझे मिलने के लिए यहाँ बुलाया है, उन्हीं से मिलने आया हूँ, और आप लोग? कुहू बोली, हम तो ऐसे ही चिल आउट करने आ गए। अदिति को उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी, ये क्लाइंट वगैरह तो बस एक बहाना है, सच तो ये है कि ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ आया है, देखना कोई नहीं आएगा इससे मिलने। कुहू और विवान अभी भी बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद दो लोग विवान से मिलने के लिए आए और विवान उनके साथ बातों में बिजी हो गया। कुहू अभी भी उसकी ओर देख रही थी। वो धीरे से अदिति से बोली,
आप ठीक कह रही थी दी, हमें किसी के भी बारे में इतना जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। सच में कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इसका नेचर खराब होगा या इसने किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा। वो लड़की ही बेवकूफ होगी जो इसे छोड़कर चली गई। अदिति का ध्यान कुहू की बातों पर कम, विवान पर ज्यादा था। चली आई। इतना कहकर